वी अध्यापक संघ की ओर से कुठेड़ा स्कूल में छात्र शिक्षक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। सी एंड वी शिक्षक संघ के जिला प्रधान सुरेंद्र कुमार ने बताया कि वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कुठेड़ा में छात्र शिक्षक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिभा निखार प्रतियोगिता में अव्वल रहे छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया है। इस मौके पर छात्रों के अभिभावकों और अध्यापक भी मौजूद रहे। जैसा कि आज का जो हमारा कार्यक्रम है उसका नाम है छात्र शिक्षक सम्मेलन प्रतिभा निखार। वास्तव में हमारे संगठन ने कोरोना काल में 5/9/2021 को शिक्षा दिवस के महत्व अवसर पर बच्चों की जिला स्तरीय ऑनलाइन प्रतियोगिता करवाई, जिसका नाम हमने प्रतिभा निखार रखा। और आज हम उन बच्चों को यहाँ इस सम्मेलन में सम्मानित करने जा रहे हैं। और इन बच्चों ने जब उस कोरोना काल में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन वहाँ किया था और किसी कारणवश हम उनको बीच में सम्मानित नहीं कर पाए थे, तो हमारे संगठन ने ये फैसला करा था कि जब हालात सामान्य होंगे तो आज वो हमें महाप्रसति किया भगवान की असीम कृपा से सौभाग्य मिला, तो आज हम उन बच्चों को सम्मानित करेंगे। कंसर्न विद्यालय का जो अध्यापक है गायक की तरह उसको साथ में प्रधानाचार्य मुख्य अध्यापक और उनके इंचार्ज, और इसका जो मुख्य मोटिव है जैसे प्रतिभा निखार है, तो जो हमारी नई शिक्षा नीति आ रही है उसके प्रति भी बच्चों को अध्यापकों को जागरूक करना है। वहीं सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा ने बताया कि प्रदेश भर के बच्चे जिन्होंने ऑनलाइन कंपटीशन में हिस्सा लिया है उन बच्चों को आज पुरस्कृत किया गया है। देखिए आज सीएनबी जो संघ है उसके द्वारा जिला हमीरपुर में कुठेड़ा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आज एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कोरोना काल में जो बच्चे जिन्होंने ऑनलाइन एक कंपटीशन करवाया गया था और जिन बच्चों ने प्रथम सेकंड थर्ड स्थान हासिल किए हैं उन बच्चों को जो है वो आज जो है प्रतिभा निखार अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। और आज पूरे प्रदेश भर के बच्चे यहाँ पहुँचे हैं और जिन अध्यापकों ने उनकी तैयारी करवाई थी जो उनके अध्यापक थे उनको भी आज जो है संघ जो है वो सम्मानित कर रहा है और इस कार्यक्रम में शामिल होने का मुझे सौभाग्य हासिल हुआ है। मैं संघ का भी शुक्रगुजार हूँ कि इन सब से मिलने का और इन बच्चों को सम्मानित करने का सौभाग्य मुझे हासिल हो रहा है। मैं इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ और इस पवित्र कार्य को और अच्छे काम को करने के लिए मैं संघ की भी प्रशंसा करता हूँ।